उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से यूपी के शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार यूपी के कम से कम 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है, जिनमें से 6 के नाम जल्दी ही बदले जा सकते हैं। जिन जिलों के नाम सरकार बदल सकती है उनमें अलीगढ़, फरुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर शामिल है। आपको याद हो कि सीएम योगी के पिछले कार्यकाल में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया था और अब इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों के नाम बदलने पर काम आगे बढ़ चुका है और जल्दी ही इनके नए नाम सामने आ सकते हैं। अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग काफी पुरानी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देना चाहिए और बीजेपी के कई समर्थक संगठनों ने जिले को इस नाम से बुलाना भी शुरू कर दिया है। वहीं कुछ संगठनों का कहना है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर आर्यगढ़ भी किया जा सकता है। वहीं फरुखाबाद की बात करें तो वहां से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि ये जिला द्रौपदी के पिता द्रुपद के पांचाल राज्य की राजधानी था, इसलिए इसका नाम पांचाल नगर कर दिया जाना चाहिए। फरुखाबाद महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ नगर है। इसमें राजा द्रुपद की राजधानी कंपिल हुआ करती थी और इसे पांचाल नगर के नाम से, पांचाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें आसपास के कई जनपद आते थे तो इसीलिए वहां पर राजा द्रुपद की राजधानी रही। जो द्रौपदी थी उनका वहां पर स्वयंवर भी हुआ, वहां पांडव भी आए। उन्होंने अज्ञातवाद के समय में एक मंदिर की स्थापना की थी, वो पंडावाग के नाम से आज भी मंदिर भी है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा ये इसे पंचाल नगर कर दिया जाए, क्योंकि 1714 में मुगलिया शासक के समय में वो वहां पर फरुख शियर नाम का एक व्यक्ति ने अपने उस शहर का नाम बदल के फरुखाबाद रख दिया था। हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, उस आधार पर नाम होगा तो वहां के लोगों को अच्छा लगेगा, नौजवान आने वाली पीढ़ी को और जो बुद्धिजीवी है उन्हें अच्छा लगेगा। कई बुद्धिजीवियों का हम लोगों से अनुरोध किया गया, कई लोगों ने किया कि साहब एक तो इसे अपराकाशी भी फरुखाबाद नगर को कहते, फरुखाबाद जनपद कहते, इसीलिए क्योंकि घर घर में शिवालय बने हुए हैं वहाँ। दूसरा, पूरा हमारी लोकसभा फरुखाबाद जनपद 135 किलोमीटर लंबाई में गंगा जी बहती, गंगा, राम गंगा, काली नदी, तीन तीन नदियों के बीच में बहता है, इसे अपराकाशी के नाम से जानता है। पूरे देश में ये लोग वहां पर महा महीने के समय में आते हैं और एक माह तक गंगा के तट पर रहकर स्नान करते हैं और कल्पवास करते हैं, तो इसलिए इसे अपराकाशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमने मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से, या तो इसे पंचाल नगर कर दिया जाए या अपराकाशी के नाम से फरुखाबाद का नाम किया। जबकि सुल्तानपुर जिले का नाम बदल कर कुश भवनपुर कर देने का प्रस्ताव है। साथ ही ऐसी ही मान्यता है कि सुल्तानपुर जिले को भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था। इसी कड़ी में बदायूं का नाम वेदमऊ, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर और शाहजहांपुर का नाम भी शाजीपुर करने का प्रस्ताव योगी सरकार के पास जा चुका है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों के अलावा भी कई और जिले और शहर हैं जिनका नाम बदलने की मांग उठती रहती है। कई हिंदू संगठन आजमगढ़ को आर्यमगढ़, मैनपुरी को मयानपुरी, संभल का नाम कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर, देवबंद का नाम देववृंदपुर, गाजीपुर का नाम गढ़ीपुरी और आगरा का नाम अग्रवन करने की मांग कर रहे हैं।